तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीख रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर परसेंटेज और ग्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए मैं जरा एक ना माइक्रोफोन के वॉइस को रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। सही, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कल सीखा था टोटल करना। तो टोटल हम जब कलेक्शन में कर रहे होते हैं तो कलेक्शन में टोटल करते हुए तो आपको मैंने समझाया था कि आपने दो तीन मेथड यूज करने हैं। पहला मेथड कि आप इस सबको सेलेक्ट कर लें और जहाँ पे आंसर लेना है वहाँ पे क्लिक करके ऑटो सम करें, क्लिक करें यहाँ पर और उसको ड्रैग करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद अंडू कर लें इसको। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि फिर सबका कलेक्शन में लेना है तो सबको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर इसको क्लिक करके ऑटो सम करें तो ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अंडू करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके कोई भी मेथड इसमें से यूज कर लें जिसमें आपको टोटल लेना है। तो मैं एक मेथड यूज कर लेता हूँ फिलहाल, ये वाला, और उसको करके सम कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने सम कर लिया यहाँ पर इनका टोटल आ गया। अब इस बात को गौर से समझना है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारी आम लाइफ में क्या है। देखिए, एक्सेल में कोई भी चीज नई नहीं हो रही होती, वही चीजें हो रही होती हैं जो हम पहले कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उसको एक्सेल के जरिए करना होता है हमें। आम लाइफ में परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। अगर मेरे टोटल मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं, मेरे सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ईच 100 का है, तो टोटल मार्क्स मेरे हो गए हैं 1100। ठीक है, 1100 मेरे टोटल मार्क्स है और परसेंटेज के लिए मेरे जो स्कोरिंग हुई भी है वो 928 है। 928 कौन सा मार्क्स है? मार्क्स ऑब्टेंड है। तो मैं मार्क्स ऑब्टेंड को पहले लिखता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से और डिवाइड कर देता हूँ उसको 1100 से। जैसे क्लिक करके एंटर करूंगा तो आपके सामने देखेंगे 84.363 आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो चुकी है। यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब आइए यहाँ पे इस काम को कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इसका परसेंटेज। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको करेंगे सम। सम जैसे ही करेंगे तो परसेंट निकालने का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, परसेंट इसी मेथड के जरिए कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम रेफरेंस करेंगे उस सेल का जिसमें हमारे मार्क्स ऑप्टेंड है, यानी कि दिस सेल। वैसे इसने इंटेलिजेंट है, इसने खुद ही सेलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रेफरेंस करूंगा ताकि इस सेल का नाम लिखा हुआ आ जाए। वॉट एवर इस सेल का नाम जो भी है, मेरे केस में इस सेल का नाम है O4। O4 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा डायरेक्टली। अब आप कहेंगे सर वहां तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया था और बाद में डिवाइडेड किया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 भी आंसर सेम आना है, 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, तो आंसर सेम ही आना है इसका। तो यहाँ पर इसको कहने का मकसद यहाँ पे ही कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया मार्क्स ऑप्टेंड से। अब मार्क्स ऑप्टेंड मुझे लिखने पड़ेंगे 1100। आपने 6 सब्जेक्ट का बनाया तो माइट भी वो 600 हो सकते हैं, आपने 8 सब्जेक्ट का बनाया तो माइट भी वो 700 भी हो सकते हैं और 850 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। तो मैंने डिवाइड का साइन लगाया और टोटल मार्क्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए, जो कि कितने हैं 1100 है। ये बात समझ में आ रही है सबको? और जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पर परसेंट 84% कैलकुलेट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपके केस में यहाँ पर आएगा 0.84। क्यों आएगा? देखिए, क्योंकि हमारे पास इस प्रोसेस में एक प्रोसेस बाकी है, वो है मल्टीप्लाई बाय 100 का। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास 84% आएगा, अदरवाइज क्या है ये 0.84 आ रहा है। ये आंसर भी सही है। मैंने ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों नहीं किया, उसकी वजूहत है। देखें, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको एक और नई चीज सिखाता हूँ। जब आप किसी नंबर पर क्लिक करेंगे, नंबर वैल्यू पर, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर माना नंबर, जब इंटीजर पे क्लिक करेंगे, दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग माने कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट वर्ड्स सिंबल्स, तो ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। जब मैं इंटीजर वैल्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास दो सिंबल नजर आ रहे हैं, परसेंट और कॉमा, तो ये क्या काम करेंगे? जैसे ही मैं परसेंट पे क्लिक करूंगा तो परसेंट जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से ऑटो और उसके आगे एक परसेंट का साइन ऐड कर देगा, ये देखिए, ठीक है। और अब जिसको मैं परसेंट पे क्लिक करूंगा और वो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा, उसी वैल्यू को मैं अगर कॉमा पे क्लिक करूंगा तो कॉमा क्या करेगा, उसी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 100 करेगा और परसेंट का साइन रिमूव कर देगा। मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन इसमें ये है कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 है, यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंक्रीमेंट डेसिमल और डिक्रीमेंट डेसिमल।
ये क्या ऑप्शन है, अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं इन डिक्रीमेंट डेसिमल, तो देखिए डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज खत्म हो गई, और अगर इंक्रीमेंट डेसिमल करते हैं तो पॉइंट के बाद जितने वैल्यूज मैक्सिमम आ सकती थी वो इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डेसिमल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। खत्म करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में से जब खत्म करते हैं तो वो उसको पूरा एक होल नंबर बना देता है। ओके, तो अब आपने ये बात समझ ली, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 छोड़ दिया था। ये परसेंट पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया और परसेंट का साइन भी आ गया। उसके बाद यहाँ से मैंने इंक्रीमेंट डेसिमल किया, तो पॉइंट के बाद दो डेसिमल वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है। अब जब पॉइंट के बाद दो डेसिमल वैल्यू हमें चाहिए तो ले लें, नहीं चाहिए तो यहाँ से खत्म करके फुल होल नंबर कर दें उसको आप, ये चॉइस आप पर है। जैसे आपका एक परसेंटेज निकल आया, उसके बाद आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है, ये सबकी परसेंटेज को कैलकुलेट करके आपके सामने दे देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई।